धनबाद कोयला अंचल में अब चोरी डकैती के अलावे अब बच्चा चोर भी सक्रिय हो गया है। ताजा मामला है धनसार थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान रोड का। बीती रात एक माह की बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। घटना के समय घटना की पूरी वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें फुटपाथ पर गुजर बसर करने वाले एक दंपति रोज की तरह दिहाड़ी मजदूरी कर सड़क के किनारे अपने दो बच्चों के साथ दिन भर की थकान के बाद सड़क किनारे सो रहे थे। तभी रात्रि के समय लगभग 10 बजे एक मोटरसाइकिल पर दो अपराधी सो रहे दंपति के पास पहुंचे और उसके एक महीने का दुधमुहा बच्चे को उठाकर चलते बने। इस घटना की सभी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। कुछ देर बाद अचानक बच्चे की माँ की नींद टूटने पर अपने पास बच्ची नहीं मिलने से रोती बिलखती बच्ची की खोजबीन करने लगी, लेकिन बच्ची कहीं भी नहीं मिली। फिर पीड़ित महिला ने धनसार थाने में जाकर गुहार लगाई है। थकल मगर और दवा भी फेंक के जब बच्चा चल गया 10 बजे रात में। कितना महीना का बच्चा था? एक महीना से सर। आप लोग को कैसे पता चला कि ये बच्चा चोरी हो गया? बच्चा उठे पानी प्यास लगा हमरा, हमको पानी प्यास लगा था। हमें बेटा बोले रे बेटा पानी दो रे ला के, ऐसे हमारा पेट में दर्द कर रहा। तो ये बोला ना ये मम्मी जो उठ, आज जब उठे तब बैठ के खोज ला कि हमारे बेटिया दूधा ना है, लटकल है, दूधा उघारे था सर। तो हमारे बेटिया देखे तो कहने लगा सर हमारे बेटिया, जब देखा तो 10 बज रहा रात, एक मरना पार हो रहा। तो कहे सुनो तो नहीं कितना बज रहा टाइम, बोला 10 बजा। तो कहे मेरे बेटी चोरी हो गया अभी तुरंत जस्ट। तब बोला दो गाड़ी वाला गाइया इन्हें गया लेके, तखनी से रात से जागल था, रात से खूब कान रहे वहाँ गए धनसार मोहन लिया। थाना गए तो क्या बोला थाना? बोला कि हम नहीं जाएंगे, जाइए पता कीजिए तब हम जाएंगे। तो हम कैसे करेंगे पता होगा? अच्छा बताइए, आप लोग बोल रहे थे कि सीसीटीवी में भी दिख रहा है, क्या देखे सीसीटीवी में? वो देख रहा है मेरा बेटिया के उठा ले, वो भाग रहा है, दो आदमी है मरना मोटे मोटे है। कैसी से भाग रहा? अथी से बैग से गाड़ी मोटरसाइकिल से भाग रहा है। वो जब भी है चलिएगा ना तो पता चल जाएगा, हम बताएंगे। धनसार कहाँ पर? यहाँ कभी थान रोड से शक्ति मंदिर है ना आगे, वो जय पटी। क्या चाह रहे हैं? हम बेटी जा रहे हैं, मेरी बेटी चल जाए सर, मर बचवा भी नहीं हम ना रहेंगे सर, मर जाएंगे। काम करके ठीक है बालू भाई, हाजिरी भाई वगैरह सब आए काम करके, तो थका हुए तो सो गए थे। वहाँ से 10 बजे रात में मेरा बेटे को लेकर चले गए। तो कहाँ आप लोग घर नहीं है, कहाँ रहते हैं? घर है सर, मतलब जैसे यहाँ से काम करके मतलब थोड़ा रात हो गया था, तो हम सोचे कि अब होने जाएंगे तो उन्हें चोर चोर ढेर है, इसलिए हम उधर नहीं गए, सो गए वहीं पे कब्रिस्तान रोड में। हाँ उससे बोले कि सो जाते, तो बोला ठीक है सो जा, तो सो गए वहाँ पे, सो गए वहाँ पे। उठते हैं तो देखते हैं पूरा कान चिलर रहा है कि लड़की नहीं है। बताए तो नहीं सर, लेकिन यही बात है कि जैसे सीसीटीवी कैमरा में दिखा रहा है। हाँ हाँ बाइक वाला, हाँ बचवा लेके सब गुकल जा रहा है। यहाँ थाना गए तो थाना बोला कि पहले जाओ खोज खबर करो, उसका बाद हम जाएंगे। थाना पर थाना में गए आप लोग, थाना में कंप्लेन आप लोग का नहीं लिया? नहीं लिया कंप्लेन, नहीं लिया वहाँ, पहले खोज लो उसका बाद कंप्लेन लिया। कंप्लेन किए नहीं किया? अभी नहीं किया, नहीं लिया। हाँ पुलिस बोला पहले अपने से खोजो, उसका बाद यहाँ कंप्लेन करो। बताएंगे भंसार थाना क्षेत्र पंजाबी मोहल्ला के पास जो है बच्चा चोरी का जो है एक मामला सामने आया है। किस ढंग का कोई मामला अभी तक थाना में कोई आवेदन नहीं आया है, नहीं जानकारी है सर? वो कंप्लेनर अभी तक नहीं पहुंचे आपके पास? कोई कंप्लेन नहीं किया है। कंप्लेनर का कहना है कि हम थाना गए थे, थानेदार ने कहा है कि पहले खोज अपने आसपास पता कर लीजिए, उसके बाद हम कंप्लेन दर्ज करेंगे। इस ढंग की कोई बात नहीं, कोई लिखित सूचना थाना को नहीं दिया, न उससे मुलाकात। सीसीटीवी में सर कुछ दिख रहा है बच्चा को ले जाते हुए? दिख रहा है ले जाते, हमको तब जानकारी तो नहीं हुआ है, इस ढंग देखेंगे तो बताएंगे। कंप्लेन देने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी सर? कंप्लेन देने के बाद अगर कंप्लेन देगा तो कार्रवाई होगी, जो विधिवत कार्रवाई होगा होगा।